YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सूरत में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुस्तक मेला विद्या 2018, राष्ट्रीय बगायत हर्बल एवं फ्लावर शो सुमन 2018 तथा शिल्पग्राम 2018 का हुआ प्रारंभ। शहर मनपा आयोजित इस मेले को देखने बड़ी संख्या में उमड़े लोग। सूरत में बुधवार को गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार एवं कॉलमिस्ट कृष्णकांत उनडकट के हाथों में विद्या 2018, राष्ट्रीय बगायत हर्बल एवं फ्लावर शो सुमन 2018 तथा शिल्पग्राम 2018 का प्रारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सूरत के वनिता विश्राम मैदान में बुधवार को राष्ट्रीय पुस्तक बागायत एवं शिल्प मेले का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर शहर की महापौर मनपा के पदाधिकारी अधिकारी व साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मेले के उद्घाटक एवं प्रसिद्ध गुजराती लेखक कृष्णकांत उनडकट ने सूरत मनपा के इस आयोजन की प्रशंसा की। बिल्कुल बड़ा ही खुश, यहाँ आके जैसे मजा आ जाए ऐसा उस तरह का आयोजन है। और इस बुक फेयर का आज मुझे ओपनिंग करने का मौका मिला है तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। इतना बड़ा आयोजन जिसमें इतने सारे स्टॉल्स हो, और खाली पुस्तक ही नहीं, इसके साथ शिल्प भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे किसी बगीचे में बैठकर किसी शिल्प के पास आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, ऐसा सुंदर आयोजन किया है। और जो बुक है, जो पुस्तक है, वो लोगों की ज़िंदगी को संवारता है, उसको मैं तो ये कहता हूँ कि भाई वो आपको सजीवन बनाता है। जब कभी भी ज़िंदगी में ड्राइनेस आ जाती है, कभी ऐसा लगे कि मज़ा नहीं आ रहा, सुख जैसे मिलता नहीं है, तब कोई चीज़ आपको अगर मदद पे आएगी तो वो सिर्फ पुस्तक ही है। तो इतनी सारी बुक्स यहाँ अवेलेबल है, और ये 17वां साल है सूरत में इस कॉरपोरेशन के बुक फेयर को, ये 17वां साल है। तो ये बड़ी बात है कि कोई कॉरपोरेशन इतना बड़ा आयोजन करता है और लोगों को शब्दों के प्रति, संवेदनाओं प्रति इतना उजागर करता है। तो मैं इस पुस्तक मेले को शुभकामना देता हूँ। गुजरात का सूरत सर उनकी अनेक विधि विशेषताओं के चलते देश दुनिया में प्रसिद्ध है। डायमंड टेक्सटाइल सिटी के नाम से प्रसिद्ध इस शहर ने गुजराती साहित्य के सृजन में भी बड़ा योगदान दिया है। शहर मनपा द्वारा लगातार यह 17वीं बार आयोजन हुआ है, जो बता रहे हैं कि साहित्य, शिल्प एवं फूलों की खरीदारी के प्रति सूरत एवं गुजरात के लोग कितने उत्सुक हैं, क्योंकि मनपा के इस मेले की मुलाकात लेने की सिर्फ सूरती बल्कि पूरे गुजरात से लोग आते हैं। सूरत में ये फ्लावर शो जो आयोजित किया गया है, उसको देख के आप क्या महसूस कर रहे हैं? सर, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा डेकोरेट, मतलब बहुत अच्छा आइटम्स यहाँ पे सब मतलब हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, और बुक फेयर भी है तो फिर हमें अच्छे अच्छे नॉलेजेबल बुक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, सारी कार्टून, कॉमिक, नॉवेल्स वगैरह सब कुछ, ए टू जेड सारी बुक्स अवेलेबल है। यहाँ पे फ्लावर्स का डेकोरेशन बहुत अच्छी तरह किया हुआ है, फ्लावर डेकोरेशन वगैरह देख सकते हैं हम। घर के लिए हमको कुछ चाहिए तो हम कुछ भी लेके जा सकते हैं फ्लावर डेकोरेशन के लिए। और ये 3 डेज के लिए तो हम हमेशा मैं फ्रेंड सर्कल के साथ आते ही हैं हमेशा, ताकि हम लोग अच्छे से इंजॉय कर पाए। बदलते दौर में लोग सोशल मीडिया में 24 घंटे डूबे रहते हैं, तब इस प्रकार के आयोजन से भावी पीढ़ियों का लगाव पुस्तक के प्रति बना रहेगा। प्रतिवर्ष मनपा आयोजित मेले की मुलाकात लेने हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जिसमें युवाओं की तादाद बढ़ती रहती है और बड़े पैमाने पर पुस्तकों की भी बिक्री होती है। एक ही स्थान पर देश की विभिन्न भाषाओं की पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध होने के कारण यह मेले की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। पुस्तक मेले के साथ फूलों की आकर्षक सजावट के चलते लोगों में आगामी 6 दिन तक यहां स्थान पिकनिक पॉइंट सा बना रहेगा। सेल्फी एवं अपने मोबाइल पर मेले का फोटो लेने का लोग जमकर आनंद उठाएंगे। कैमरामैन मनोज कौशल के साथ ब्रावेश त्रिवेदी की रिपोर्ट, GNA सूरत।